वहाँ से जब लॉकडाउन हो गया फिर उसके बाद जॉब भी छूटी, फिर उसके बाद सोचा कि अपना कुछ काम कर लेते हैं। नौकरी करने से अच्छा अपना काम हो, भले थोड़ा हो, मतलब किसी के अंदर काम करने से अच्छा अपना काम बेस्ट है। आपको यहाँ पर कौन से मोमोज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वेज या फिर नॉन वेज? नॉन वेज, इनके नॉन वेज मोमोज लाइक काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे बाकी मोमोज के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एनएफ नेशनल, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अमन धालीवाल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं हर बार कोई ना कोई डिश, और इस बार मेरा मन किया कि आपके लिए लेकर आऊं मैं मोमोज की डिश, और इसलिए मैं आज पहुंचा हूं मोहाली के 126 सेक्टर में, और जहां पर मुझे दिखा एक मोमोज कॉर्नर, और यहां पर मैं आपको जहां पर चेक करवाने वाला हूं कि ये मोमोज कैसे हैं और इनका स्वाद कैसा है। तो आइए मेरे साथ। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर रूटीन में आकर मोमोज खाने वाले कुछ कस्टमर के साथ कि उनको इन मोमोज का स्वाद कैसा लगता है। तो फिर करते हैं बात कुछ कस्टमर से। तो मेरा नाम है अनीश पाठक। ओके अनीश पाठक जी, कितना टाइम हो गया आपको इस कॉर्नर पर आते हुए? ये कॉर्नर मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, तो लॉकडाउन के बीच में ही ये चीज़ हमने शुरू करी थी, तो हम लोग सारे इकट्ठे आते थे। तो अभी थोड़ा ऐसा है कि कॉलेज की टाइमिंग्स वगैरह अलग है तो आ नहीं पा रहे, वरना हम इकट्ठे ही आते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने अराउंड डिस्कवर करा था 6-7 महीने पहले। तो आपको यहाँ पर कौन से मोमोज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वेज या फिर नॉन वेज? नॉन वेज, इनके नॉन वेज मोमोज लाइक काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे बाकी मोमोज के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। तो फिर आप अपने और फ्रेंड्स को भी इस जगह के बारे में बताते कि यहाँ पर आओ और यहाँ के नॉन मोमोज बहुत अच्छे हैं नॉन वेज? हाँ, मतलब लाइक हम लोग काफ़ी बार आ चुके हैं, हम लोग काफ़ी दोस्त आते रहते हैं। तो पूरा महीने आते हो या फिर बीच बीच में कभी? मतलब जब टाइम मिल जाए, जब मन करे खाने का तो आ जाते हैं। लेकिन एक अच्छा हैंगआउट स्पॉट है। तो एक बात और, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इनके मोमोज कैसे हैं और यहाँ पर आकर इनको खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए? लाइक मैं तो कहूँगा ज़रूर आना चाहिए, काफ़ी बढ़िया मोमोज बनाते हैं और इनकी कंसिस्टेंसी रही है कि जब से हमने खाने शुरू करे थे सेम स्वाद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे पाठक जी जिनको यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हर बार की तरह मैं बातचीत करता हूँ उन लोगों से जो इन डिशेस को तैयार करते हैं, तो आज भी मैं बात करने वाला हूँ उनसे जो यहाँ पर नॉन वेज मोमोज को करते हैं तैयार। तो आइए फिर मेरे साथ। तो सूरज जी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? यहाँ पे मुझे 2-2.5 साल हो गया जी। तो 2-2.5 साल हो गया आपको यहाँ पर। ये काम आप यहीं से, आपने इस काम की शुरुआत की या कहीं और पर करते थे इस काम को? ये काम पहले मैंने तो यहीं से ही शुरू किया एक हिसाब से, तो सीखा मैंने बाहर से ये काम। तो बाहर से कहाँ से सीखा आपने? बाहर से मैंने ये, मैं पहले कैटरिंग लाइन में था एक हिसाब से, एक रेस्टोरेंट में जॉब करता था, वहाँ से थोड़ा सीखा था मैंने। तो रेस्टोरेंट में जॉब करते थे आप, तो फिर वहाँ से आपने जॉब की छोड़ दी? वहाँ से जब लॉकडाउन हो गया फिर उसके बाद जॉब भी छूटी, फिर उसके बाद सोचा कि अपना कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी 2-2.5 साल हो गया, अभी अच्छा चल रहा है, लोग अच्छे आ रहे हैं, खा रहे हैं और टेस्ट अच्छा बता रहे हैं। तो ये मोमोज का ख्याल कैसा है कि यार मोमोज ही करें और इसमें हमको फ़ायदा होगा? सर, ये काम मैंने पहले तो कभी किया नहीं था, तो हर एक चीज़ का यही होता है कि काम करने के बाद ही रिजल्ट आता है, तो उस हिसाब से मैंने भी इस काम में हाथ डाला और अच्छा रिस्पॉन्स आया इस चीज़ का। तो यहाँ के लोगों को पसंद आ रहा है? हाँ जी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके कौन सी डिश लगती है आपकी? मेरा सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिकन मोमोज बिकता है। चिकन मोमोज का ज़्यादा रिस्पॉन्स है। नॉन वेज मोमोज और साथ साथ में वेज मोमोज भी है, और मेरे पास डम्पलिंग भी मिलता है और बाकी स्प्रिंग रोल वगैरह सब कुछ है मेरे पास। नॉन वेज मोमोज के बाद कौन सी ज़्यादा डिश आपकी और ज़्यादा यहाँ पर सेल होती है? मेरा सबसे ज़्यादा नॉन वेज मोमोज का ही डिमांड है यहाँ पे। हाँ जी। तो आप यहाँ पर, आपके साथ वो जो काम कर रहे हैं वो कौन है? वो मेरा ब्रदर है। तो उनको आपने काम ये सिखाया या वो पहले से सीखे हुए थे? नहीं, उन्होंने सीखा नहीं, वो उनको भी मेरे पास जब से आए तब से उन्होंने यहीं पे सीखा काम ये। सूर्य जी, इस काम को फ्यूचर में और कितना बढ़ाना चाहते हो? सर, अभी तो जिस हिसाब से चल रहा है तो आने वाले टाइम में क्या पता शायद और बढ़े, तो जिस हिसाब से कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास कि लोग आ रहे हैं पसंद कर रहे हैं चीज़ को, तो
देखो ऊपर वाले की अगर इच्छा हुई तो और बढ़ सकता आगे काम। अच्छा, इस काम को लेकर कोई सपना हो कि यार मेरे को इस काम को इस लेवल पर लेकर जाना है, ऐसा कोई दिमाग में सपना हो आपका कोई? सर अभी तो इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। पहले आपको कोई सपना था कि यार इस काम में से आने से पहले आपका कोई सपना रहा हो कि यार मुझे ये बनना है? सर ऐसा तो मैं कुकिंग लाइन में ही था तो पर सोचा नहीं था कि ये काम मैं अपने इस हिसाब से करूँगा, अपनी मर्जी से काम करूँगा। ये लॉकडाउन के बाद जब काम इधर उधर हुआ तो तब से मैंने फिर इस काम में हाथ डाला तो तब ये काम शुरू किया। तो क्या फ़र्क लगा आपको किसी के अंडर काम करते और अपना काम करते हुए? नहीं सर ये काम बेस्ट है। मैंने नौकरियां भी की काफ़ी साल, मैंने 15-16 साल उसमें बचपन से ही मैं नौकरी में ही था, साथ में स्कूल भी करता था तो साथ साथ में मैं जॉब भी करता था। तो क्या हुआ कि अभी काम वहीं से सीखा सीखने के लिए, तो पर ये कि अभी नौकरी करने से अच्छा अपना काम हो भले थोड़ा हो, मतलब किसी के अंदर काम करने से अच्छा अपना काम बेस्ट है। तो अब आप खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पर आपको अच्छा सेल हो जाते, मिल जाता है, इनकम हो जाती है आपको? हाँ जी सर, रोटी पानी चल जाता है, घर बच्चे खुश है, अच्छा है चल रहा है। तो खैर सूरज जी, हम भी दुआ करते हैं कि आपका काम और ज़्यादा चले, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे सूरज जी जो यहाँ पर इन लजीज मोमोज को करते हैं तैयार। फाइनल वो वक्त आ गया है जब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगा कि ये मोमोज कैसे हैं और क्यों यहाँ पर नॉन वेज मोमोज हैं इतने ज़्यादा फेमस। तो फिर आइए मेरे साथ और करते हैं ऑर्डर मोमोज। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मोमोज हो गए हैं तैयार और अब मैं इनका करने वाला हूं पान और आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट है कैसा। बाकी दोस्तों जैसा कि उन्होंने बताया था कि यहां के नॉन वेज मोमोज हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल और सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी है यहां पर, तो ये बिल्कुल बात सही है क्योंकि ये नॉन वेज मोमोज बहुत अच्छे हैं। अगर आप भी कभी मोहाली के 126 सेक्टर छज्जू माजरा में आएँ तो इन मोमोज को खाना मत भूलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाजवाब है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय। Thank you.